अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी आयशा अबू बकर। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको हमेशा खुश रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्दनों का पुलाव। और मैंने कहा इसके साथ साथ, मेरा कोई मूड तो नहीं था कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपना जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज कोई खास मूड नहीं था, लेकिन मैंने कहा काफ़ी दिनों से कोई अपलोड नहीं की वीडियो, और मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो मुझे शौक भी है कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए, और चैनल ग्रो करने के लिए वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा बस आज मैं वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे लिए हैं जी प्याज, मैंने लिए एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर दिया। और टमाटर भी मैंने तकरीबन एक बड़ा टमाटर लिया, उसको मैंने चॉप कर लिया। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको मैंने निकाल लिया, दो चम्मच छोटी चम्मच भर के। और ये हैं जी गन्ने, तकरीबन ये 1 kg हैं, और इनको मैंने धो के ड्राई कर लिया। और चावल भी मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 kg के करीब ही लिए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे जो है भिगो के रख दिया। चावलों के साथ भी बस मेरा बड़ा पार्ट हुआ है, मैं अभी आपको ये चीज़ें दिखा के मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे सम स्पाइसेस मैंने लिए हैं, 2 चम्मच नमक ले लिए मैंने, थोड़ी सी हल्दी ले ली है, और 1 चम्मच लाल मिर्ची ले ली है। एंड ये यहाँ पे है जी सूखा धनिया 1 चम्मच। एंड ये है गरम मसाला पाउडर जिसको पीस के हमने मिक्स करके बनाया हुआ है इसको। और यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ले लिया साबुत, और यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ ले ली है। मैं पुलाव में सौंफ लास्ट में ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा देगी टेस्ट आता है। और ये है ज़ीरा, और ये है जी सफ़ेद ज़ीरा के ब्राउन जो भी है सफ़ेद अभी बस। तो ये मैंने 1 बड़ी चम्मच भर के लिया। और यहाँ पे मैंने ले लिया जी 4 लौंग आप गिन सकते हैं, 4-5 काली मिर्चें और दालचीनी, एंड ये बड़ी इलायची। यहाँ पे मैंने ये थोड़ी चीज़ें ली हैं क्योंकि गर्दनों का पुलाव है। तो फिर चावल, अगर ये चीज़ें ज़्यादा और जाए बस तो चावल कड़वे हो जाते। तो बस चावलों के साथ मेरा ये पार्ट हुआ कि मैंने ग्रॉसर ऐप से मुझे चावल चाहिए थे, तो मैंने कहा ग्रॉसर ऐप से मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, अबू बकर अभी नहीं आए। तो बस मैंने चावल ऑर्डर कर दिए। अच्छा, वहाँ पे चावल थे टुकड़ा चावल, उनके ऊपर मेंशन था। तो मैंने कहा कोई नेम होगा इनका, मतलब मैं इसकी डिटेल, मैंने ये कि टुकड़ा का मतलब क्या होता है। मैंने कहा टुकड़ा चावल है, ग्रॉसर ऐप पे थे, और मैंने कहा ये ऑर्डर कर लेती हूँ, अवामी चावल थे। तो मैंने कहा ऑर्डर कर लेती हूँ, और तो बस जनाब मैंने उसको कर लिया ऑर्डर। जब वो घर आए तो पता चला कि वो टुकड़ा नहीं, वो टोटा चावल थे। मतलब मैंने टुकड़ा पढ़ के मैंने कहा कोई नाम होगा टुकड़ा चावल, कोई डिफरेंट इनकी, मैंने कहा चावलों की बहुत सारी अकसाम है, कोई एक और अकसाम होगी इसकी। तो वो घर आए तो मुझे पता चला कि टोटा चावल है। तो आज मैंने कहा चलो मैं इनको ट्राई करती हूँ और चावल। और अभी भी बस यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया इसमें तकरीबन 1 बड़ा स्पून भर के, और अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो बस यहाँ पे प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, अब हम प्याज को कर लेंगे फ्राई, और फिर हम इसका तैयार करेंगे मसाला। मसाला ही इसका रेडी हो रहा है बस। तो मैं आपको बता दी टुकड़ा चावल के बारे में। तो हम जब भी वैसे इंसान ऑर्डर करे तो इंसान को पढ़ना चाहिए कि मैं रही कि फिर मुझे वो कर के ऐशा ये आपने क्या ऑर्डर किया। मैंने कहा मैंने टुकड़ा चावल ऑर्डर किए थे, ये तो आपके छोटा चावल निकल आए। मतलब मैं उसकी पंजाबी में ये नहीं किया, अगर मैं उसकी पंजाबी में जाती तो मुझे समझ आ जाता यार ये टोटा चावल है। खैर वो 2 kg मैंने ऑर्डर किए थे, वो 2 kg आए हैं, और अब हम उसको हमने कहा कि बॉयल करके लोबियों के साथ और दाल के साथ हम उसको खा लेंगे, बिकॉज वो इतने अच्छे तो नहीं पकते मतलब। तो बस अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी, बिकॉज मैं घर में, मुझे कम लग रहा ऑयल। मैं घर में जब भी चावल बनाती थी तो अम्मी अबू कहते थे कि चावल ड्राई हैं, तो तुमने ऑयल इसमें कम रखा। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल कर देती हूँ ज़्यादा, और अब मैं इसको आँच करती हूँ, आँच फ्राई करती हूँ बस। सॉरी, आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि शादी है लाइबा की, मैंने आपसे डिस्कस किया था, हम उनके घर भी गए थे, तो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, उसकी शादी थी। तो आज मैंने उसको देनी थी सर्विसेज सारी, तो फिर मैंने उसको सर्विसेज दी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मूड तो मेरा करेले कोश पे था, बट वो मैंने कहा कि यार थकी हुई हूँ, टाइम नहीं है, और वहाँ मैंने सुबह भी हैं साथ, फिर मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट खाना चाहिए, मतलब
सब्जी करेले के अलावा किसी सब्जी पे मूड नहीं था, दाल पे भी नहीं था, तो मैंने कहा कुछ सिंपल सा, चिकन पुलाव पे भी मूड नहीं था, मैंने कहा आज गड्डू वाला पुलाव बना लेते हैं, ये ज़रा इतना मतलब अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़े का भी लगता है, तो मैंने कहा ये मैं बना लेती हूँ। थकी हुई भी बहुत ज़्यादा थी, तो आप तो उसकी थर्सडे को मेहंदी है लाइबा की, तो मैंने उसको रेडी भी करना है, मेहंदी पर हमें खुद भी जाना है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला से वो भी ब्लॉग मैं आपके साथ अपलोड करूँगी, और जो रेडी होगी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस अभी हमारे हम प्याज को जो है थोड़ी देर तक और फ्राई करते हैं, तो वीवर यहाँ पे प्याज मेरे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं एक दो मिनट फ्राई करके इसके अंदर ऐड करूँगी करने। अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैं प्याज को भी बस बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करती, क्योंकि मुझे डार्क ब्राउन चावल पसंद नहीं है। मैंने अपने घर में मेरे अबू को हमेशा थोड़े से लाइट चावल पसंद है, लाइट ब्राउन मतलब वाइट तो नहीं कह सकते, लाइट ब्राउन से बहुत डार्क ब्राउन चावल हमारे घर में नहीं खाए जाते, मेरी अम्मी को नहीं पसंद, तो हमने दूसरी तरह से खाए हैं, तो अब मुझे भी अच्छे नहीं लगते। तो अभी मैं इसको जो है लाइट ब्राउन के, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गड़ने, तो वह बस अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गड़ने, और अभी हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो वह बस यहाँ पे हमारी गड़नों को फ्राई हो गए, हमारी गड़नों को नहीं सॉरी चिकन की गड़नों को फ्राई हो गए, 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर के साथ हम ऐड करेंगे साथ ही इसके स्पाइसेस सारे इसमें ऐड करेंगे, और अभी हम इसको भून लेंगे थोड़ा सा। तो बस इस पुलाव को हम ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर बम्बई बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, ये बहुत ही मज़े का मसाला होता है, इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दूँगी ताकि इसे थोड़े से चावलों में एक टेस्ट आ जाए। इतना सा मैंने ऐड किया इसके अंदर, तो अभी हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो वे वही यहाँ पे मसाले के अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 कप के बराबर पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि चावल भी हमने तकरीबन हाफ और आधा घंटा हो चुका है हमने चावलों को बस भी खोया हुआ है, तो बस अभी हम इसके अंदर से जो है 2 कप पानी ऐड करेंगे, और साथ में इसके अंदर ऐड कर दूँगी ज़ीरा सौंफ एंड ये मसाला और धनिया। तो वह बस यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका है, उस वक्त मेरा मोबाइल बंद हो गया, तो और अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चावल। तो वह बस यहाँ पे मैंने चावलों का पानी निकाल के और अब मैं इसको ऐड करूँगी पानी के अंदर फिर से, और अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। तो वे बस यहाँ पे चावलों का पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इनको लगाते हैं दम, और मैं इसके ऊपर जो है हरी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि अबू बकर को हरी मिर्च बहुत पसंद है, तो मैं जब भी दम लगाती हूँ तो मैं हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अभी मैं इसको लगा दूँगी दम 10 मिनट्स के लिए, और तो वे बस यहाँ पर 15 मिनट्स हो चुके हैं, और अभी हम चावलों को चेक करते हैं, बहुत गर्म है, तो बस ये आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो वे बस यहाँ पे चावल मैंने डिश आउट कर लिया, और आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ जो है ट्रेडिशनल तरीके से इसको किया जाए डिश आउट, मतलब थोड़ा सा हिटके के ट्रे में डाल के और उस तरीके से, तो वे बस मैंने इनको डिश आउट कर लिया यहाँ पे। तो वे बस ये कबाब पहले के बने पड़े थे, तो मैंने कहा इसको भी मैं यहाँ पे डिश आउट कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि चावल मेरे बहुत ही मज़ेदार यम्मी एंड डिलीशियस तैयार हुए हैं। तो अभी मैं इसको करती हूँ नोश करती हूँ खाती हूँ भी बस। तो आई होप सो कि आपको आज का ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करते जाएँ, और इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी से ग्रो हो सके, और मुझे आपकी नेक तमन्नाओं की दुआओं के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है व्यूअर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, किसी सॉरी रेसिपी तो नहीं, मैं लाइबा की मेहंदी है तो वहाँ पे मैं व्लॉग शूट करूँगी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।